हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टू आईटीएंस। तो आपको पता ही है कि हम लोग मसूरी में हैं और मसूरी का साइटसीइंग तो आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा। तो आज हम जा रहे हैं मसूरी के पास एक जगह, दैट इज़ धनौल्टी। धनौल्टी में जा रहे हैं हम और वहाँ के इको पार्क को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं लोकल बस में जो कि छोड़ता है 8 बजे, धनौल्टी में इको पार्क में उतार देगा और फिर वापस आते समय 1 बजे वो बस फिर से वहाँ से गुजरेगी 1 बजे। तो वहाँ से फिर से हमको लेके आ जाएगा वही बस, फिर देहरादून भी चला जाएगा। तो हम आज वापस देहरादून भी चले जाएंगे। तो चलिए धनौल्टी को एक्सप्लोर करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बोलना कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप अगर बजट ट्रेवल करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने बोला कि मसूरी से रोज सुबह 8 बजे धनौल्टी के लिए बस मिल जाएगा, आप वो बस आप ले सकते हैं। आप कार रिजर्व करके भी धनौल्टी घूम सकते हैं। इन दैट केस आपको कार बुक करने के लिए 4,000 to 4,500 लगेगा एक दिन के लिए। धनौल्टी में अगर आपको नाइट स्टे करना है तो उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अभी धनौल्टी के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है इको पार्क और सुकुंडा माता मंदिर। हम लोकल बस में गए थे तो हम सुकुंडा माता मंदिर नहीं जा पाए। ये थे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आप लोग अभी व्यू एंजॉय कीजिए। हम लोग पहुंच चुके हैं धनौल्टी, सामने ही इको पार्क है तो वहां पे अभी जा रहे हैं। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं इको पार्क के हाईएस्ट पॉइंट पे। तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है, हिमालयन रेंज भी दिखता है और पीछे साइड हमारे तपोवन का भी जो टॉप है वो भी दिखता है। तो नीचे से एक घोड़े के सर्विस होते हैं, घोड़े लोग के ऊपर आपको बैठा के ले जाया जाएगा। एक 300 का है, एक 600 का है। तो 600 में पूरे दिन का टूर होता है यहाँ का, धनौल्टी का जो आसपास जो टोटल घुमाएगा, ऊपर तपोवन के टॉप में भी ले जाएगा पर पर्सन घोड़े पे। और अगर 300 देते हैं तो उसमें 4 point something आता है, तो वो भी आपको यहाँ का आसपास पूरा घुमाया जाएगा। तो आप लोग चाहें तो वो ले सकते हैं। रहा बात इको पार्क का 50 rupees चार्ज है पर पर्सन, जिसमें गार्डन है थोड़ा ऊपर आके, ऐसे सीढ़ी जगह है जहाँ बैठ के आराम कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, मजा है। और यहाँ पे एक टेलीस्कोप का है, भैया यहाँ लगाते हैं, और कुछ फन एक्टिविटी है जैसे बलून को फोड़ने वगैरह, तो वो सब भी आप कर सकते हैं। अगर वेदर क्लियर रहे तो यहाँ से हिमालयन रेंज भी दिखता है, लेकिन आज नहीं दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है जो कि ऑब्वियसली वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाएगा। तो अगर अच्छा वेदर रहे तो आपको ज़रूर दिखेगा यहाँ से हिमालयन रेंज। मैं तो बोलूँगा कि अगर इधर आ रहे हैं मसूरी घूमने के लिए तो एक दिन यहाँ का प्लान ज़रूर बनाएं और धनौल्टी का प्लान ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत ही सीनिक जगह है, बहुत ही पिक्चरिस्टिक जगह है ये। और हिमालयन रेंज तो मुझे मतलब नेकेड आई से अभी बहुत हद तक देख पा रहा हूँ कि है, बट ये कैमरा दिखा नहीं पाएगा आपको, ये कंफर्म है, इतना ज़्यादा क्लाउड है, बट बहुत अच्छा व्यू मिलता है।
बेसिकली यहाँ पे एक फूल होता है बुरास के फूल, तो उससे एक्सट्रैक्ट करके एक जूस बनाया जाता है, बुरास के जूस। तो वो यहाँ का लोकल डेलिकेसी है बोल सकते हैं हम। तो उसी के खोज में हम अब निकले हैं। यहाँ पे दुकान था तो वहाँ पे बोला कि सामने मार्केट में मिलेगा, तो वही हम खोजने जा रहे हैं क्योंकि हमको ट्राई करना है, बहुत मन है। सो फाइनली हमें मिल गया है बुरास का जूस। एक्चुअली सिरप मिला है, इसे पानी के साथ मिक्स करके पिया जाता है। तो ये रहा पानी, इसमें इतना क्वांटिटी में जूस है, बाकी पानी मिक्स करके पूरा ग्लास भर दिया। और ये पीने में बहुत ही अलग है, थोड़ा रूह अफ़ज़ा जैसा काइंड ऑफ है, मगर उसमें हल्का खट्टापन है, हल्का मीठा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया। मिर्ची चटनी के साथ समोसा, बहुत क्रिस्पी है ऊपर तक। लंच में हमको मिल चुका है लोकल राजमा चावल यहाँ का, तो खा के बताते कैसा है। ऑब्वियसली अच्छा होगा ये बोलने का बात नहीं है, फिर भी खा के बताती हूँ। क्या स्वाद है, और उसके साथ प्याज। आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।